आज की खास खबर। बेहोशी की हालत में भाई ने ही हड़प ली सारी की सारी जायदाद। आखिरी सांस ले रहा है एक बाप, छोटा बेटा बेटी कर रहे हैं बाप की देखभाल। यह घटना नेताजी मार्केट सीताबर्डी नागपुर की दर्शाई जाती है। बेहोशी की हालत में भाई ने ही हड़प ली सारी जायदाद, अंगूठा लेकर अपने नाम कर लिए पेपर्स। पीड़ित बीमार भाई का नाम राजू नामदेव एंगड़े दर्शाया जाता है। बड़ा भाई का नाम दीपक नामदेव एंगड़े ने पूरी जायदाद धोखे से अपने नाम कर लिया। पीड़ित की हालत काफी खराब चल रही, यहाँ तक कि उनको घर के बाहर निकाल दिया। पीड़ित राजू एंगड़े को नाले के पास रहने को मजबूर कर दिया। उसी दौरान सारा परिवार न ही उनको खाने को पूछता है न ही किसी और के लिए, बेसारा जैसे जी रहे हैं पीड़ित राजू एंगड़े। मेरी जानकारी के मुताबिक बेटे को नहीं थी कोई भी जानकारी, जायदाद के पेपर को धोखे से कैसे अपने नाम कर लिया था। बड़ा भाई दीपक ने बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने हर एक मदद बड़े भाई को की थी, पर आज उनको ऐसी हालत में मजबूर कर दिया है। नाने के पास रखे जाने पर इसी दिसंबर महीने का तापमान काफी ठंडा रह रहा है, उसी दौरान रहने को मजबूर कर दिया। पीड़ित आखिरी सांस ले रहा है, छोटा बेटा बहुत ही चिंतित है जबकि पत्नी भी उनसे दूर है। भाई ने दूर कर दिया था अपने ही पत्नी को 20 साल से दूर। जी हाँ, बड़ा भाई ने ही छोटे भाई के पत्नी को गलत आरोप में लगाकर उनसे उनको दूर कर दिया। 20 साल बाद लौटी अपने पति की हालत देखने को, छोटे बेटे ने मिला अपने माँ और बाप को। इसी परिस्थिति में अपने पति को देखने लौटी पत्नी, पति ने देखा तो हालत में थोड़ा सुधार आया है। जब भाई को नाली के पास रखा था तो छोटे बेटे ने परिवार वालों से विवाद करके एक छोटी सी खोली में रखने के लिए कहा, और छोटा बेटा सोनू राजू एंगड़े देखभाल कर रहा है। क्या आज के दौर में भी कोई एक भाई बेटा बाप एक जायदाद के लिए इतना गिर सकता है? तो एमएनएस न्यूज़।